प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। पीलीभीत शहर विधानसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा किया। इसमें उन्होंने अपने संबोधन में चारों विधानसभाओं को जिताने का आह्वान करते हुए लोगों से वोट मांगा। मौसम का मिजाज सही नहीं होने के बावजूद उन्होंने मौसम का सीना चीर कर पीलीभीत आने का फैसला किया। प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में और इससे पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका अनेकों बार पीलीभीत आगमन हुआ है। सरोपा और रंगमंच भेंट कर माननीय रक्षा मंत्री का स्वागत करना चाहते हैं। मेरा आग्रह है कि एक मिनट के अंदर तत्काल आए और उनका स्वागत करें माननीय रक्षा मंत्री। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत अभिनंदन अथवा सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी पीलीभीत के बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पीलीभीत में मैं आया हूं। जिम्मेदारी बढ़ जाने के कारण सारे देश की का दौरा करना पड़ता है, इसलिए चाहते हुए भी यहां आना विगत कई वर्षों से नहीं हो पाया। आज मौसम का मिजाज भी ठीक नहीं है। मुझे लखीमपुर जाना था, लखीमपुर जाकर भी मेरा हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड नहीं कर पाया, फिर वापस मैं बरेली आया। पायलट ने मुझे बताया कि पीलीभीत में मौसम ठीक नहीं है। बहन भाइयों, मैंने फैसला किया कि मैं पीलीभीत जाऊंगा, मौसम का सीना चीर कर मैं पीलीभीत जाऊंगा। वैसे मैंने सभी प्रत्याशियों को बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन मैं जानता हूं जैसा मुझे बताया गया है कि हमारे सभी प्रत्याशी, चाहे संजय सिंह गंगवार हो, चाहे प्रवक्ता राम जी हो, चाहे बाबूराम जी हो, चाहे हमारे विवेक वर्मा हो, सभी प्रत्याशी हमारे चुनिंदा हैं। संजय सिंह गंगवार को बोलते हुए पहली बार मैंने सुना। क्या आपके विधायक संजय सिंह गंगवार की आवाज में खनक थी? और सही तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपका सटीक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो संजय सिंह गंगवार के अंदर है। जो आपका स्वामी प्रवक्तानंद जी, बाबूराम जी पासवान और हमारे विवेक वर्मा, इनके बारे में भी मैंने लोगों से जानकारी हासिल की है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। लखीमपुर और पीलीभीत दोनों के इतिहास से मैं चित्र परिचित हूं। वैसे बहुत विकसित जिला न होने के बावजूद मैं कह सकता हूं कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में काफी यहां लोगों ने काम किया है। यहां हमारे सिख भाइयों के योगदान को मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कृषि क्षेत्र में चाहे लखीमपुर हो चाहे यहां हो, जो उनका योगदान है, जो काम उन्होंने किया है, और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी याद रखना, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं कि हम लोगों के भाईचारे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस हकीकत को मत भूलना क्योंकि मैं भारत के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हूं। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में अपना सिर कटाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे सिख भाइयों ने किया है। बहनों भाइयों, इसको कभी भूलना मत। मैं महाराजा रणजीत सिंह की याद दिलाना चाहता हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी ने यदि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर यदि सोने का छत्र लगवाया तो वाराणसी में, काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी छत्र सोने का लगाने का काम किया था तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया। यह रहा है हम लोगों का इतिहास। बहनों भाइयों, यह कभी कलंकित नहीं होना चाहिए
क्योंकि आजकल कोई बाहरी ताकतें भी अपने अंदर की भी ताकतें इस हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे हम लोगों को बचने की कोशिश है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं, आप हर राजनीतिक पार्टी और हर नेता की विश्वसनीयता को परखिए, जो वह कहता है वह करता है कि नहीं करता, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर भी आप देखें, नेताओं ने कहा बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत भी उसका पूरा कर दिया होता तो बहनों भाइयों आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन मैं दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं, भारत की राजनीति में जो यह विश्वास का संकट पैदा हुआ है, इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में भारत में भी किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।